खंडवा जिले के लायंस क्लब ओजस ने एक बार फिर अपना मानवीय धर्म निभाया और जरूरतमंद लोगों तक ठंड से बचने के साधन वितरित किए। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार टीम सुदामापुरी पहुंची। वहां पर गरीब बस्तियों में गरीबों की जरूरत के अनुरूप 167 परिवारों को पूरे परिवारों के कपड़े व गर्म कपड़े, मास्क और बच्चों को बिस्किट बांटे। लायंस क्लब खंडवा ओजस अध्यक्ष संजना खतिर ने बताया कि सुदामापुरी के लोगों की जरूरत इतनी ज्यादा थी कि जब ओजस टीम वहाँ कपड़े बांटने गई तो वहाँ के रहवासी जरूरत के मारे कपड़ों व खानों की चीज़ों पर टूट पड़े। कपड़े मिलते ही उनको पहन लिया। ओजस की ओर से मास्क वितरण करते हुए लायंस क्लब के जोन चेयरपर्सन राजीव शर्मा ने उन्हें मास्क का महत्व समझाते हुए बताया कि यह मास्क हमेशा लगा के रखना है, इससे कोरोना महामारी से महफूज रहेंगे। खंडवा ब्यूरो की रिपोर्ट। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम लोग यहाँ पर कपड़े और गर्म कपड़े बांटने आए हैं। ये एक ऐसा गांव है जहाँ पर गरीब लोग बहुत ज़्यादा गरीबी के से मारे जा रहे हैं, जो भीख मांग के इन्होंने अपना कोरोना काल काटा है। कोरोना टाइम में इन्होंने भीख मांग के खाया है। हम ऐसे गांव में आ जा रहे हैं। क्या प्रोग्राम था आपका? हम लोग यहाँ पर गर्म कपड़े और साधारण कपड़े, सारे कपड़े लाए हैं ज़रूरतमंदों के लिए। कौन कौन सी संस्थाएं आपके साथ रही? हमारे साथ लायंस क्लब ओजस है और स्कूल है, जिनमें हमारी रिंकू दीदी हैं जिन्होंने हमें पूरा ये प्रोग्राम करवाया, उनका साथ रहा, रेखा दीदी का पूरा सहयोग रहा। पहले बच्चों को मास्क पहनाया गया और सारे जितने भी लोग थे सबको मास्क वितरित किए गए, उसके बाद कपड़ों का कार्यक्रम किया गया। क्या कार्यक्रम था आपका? आज यहाँ लायंस क्लब ओजस के तत्वावधान में गरीब बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को गर्म कपड़े एवं कपड़े बांटे गए एवं छोटे बच्चों को बिस्किट का वितरण किया गया। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा, ताकि जो ठंड का मौसम है, अभी ठंड के मौसम में बच्चे बिना कपड़ों के, आधे फटे कपड़ों के यहाँ वितरण कर रहे थे, तो यहाँ स्कूल ने स्कूल के मैडम ने बताया कि यहाँ बहुत स्थिति ख़राब है, बच्चे ठंड के मारे बहुत विचलित हैं। इस कारण मैडम ओजस मैडम के, अध्यक्ष मैडम के तत्वावधान में यहाँ उनसे संपर्क किया गया और अध्यक्ष ओजस मैडम ने, उनके क्लब के सदस्यों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। मैं लायन राजीव शर्मा जॉइंट पर्सन उनका आभारी हूँ। जय हिंद। स्कूल में क्या कार्यक्रम था? आज हमारे स्कूल में ओजस ग्रुप के सदस्य आए और उन्होंने हमारे गाँव के बच्चों को, हमारे गाँव के लोगों को गर्म कपड़े और सामान्य कपड़े बांटे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।